जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम सोहन गिरी है और अभी जो वर्तमान में जम्मू में किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि रथ यात्रा पहुंची है यहाँ पे, जिसका कि स्वागत भारत रक्षा मंच जम्मू इकाई द्वारा किया गया है। और जो ये यात्रा पूरे देश में चल रही है जिसका नाम अखंड भारत हिंदू राष्ट्र यात्रा है, उसका ध्येय यही है कि संपूर्ण भारत में भक्तिमय, धार्मिक और हर तरीके से शांति का प्रचार करने के लिए यात्रा निकली हुई है। और कर्नाटका में किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि में हनुमान जी की 705 फीट की प्रतिमा का अनावरण और एक भव्य मंदिर बनाने के लिए ये संकल्पित यात्रा गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा की गई है। अभी पीछे हम बॉर्डर पे LOC में आपका टीटवाल भी गए थे इसी यात्रा में, और वहाँ पे भी पहली बार 75 सालों में आरती हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वर्तमान में उसके बाद हम लाल चौक में गए जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, वो भी अपने आप में ही एक अविस्मरणीय कार्य किया गया इस यात्रा द्वारा। और हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं कि लाल चौक की जगह उसका नाम राम चौक रख दीजिए, और जिससे कि देश में जो वर्तमान सरकार है राम राज्य की जो स्थापना करने के लिए कार्य हो रहे हैं देश में पिछले 9 साल से, आने वाले इलेक्शन में भी हमारा जो क्या कहते हैं यही सरकार दोबारा आए और राम राज्य और जो PAK है वो वापस हमारे पास आए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहन जी जो रंजना जी हैं वो बताएंगी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत भव्य स्वागत किया, यात्रा की सारी व्यवस्था करी, इनके लिए जम्मू कश्मीर का और भारत रक्षा मंच इकाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज जो यात्रा